नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। कंपनी अपने लोअर सर्किट पे आ चुका है, लेकिन बहुत ही जल्दी यह कंपनी फिर से आपको अपर सर्किट पे जाता हुआ नजर आएगा। कंपनी में काफ़ी बड़े न्यूज़ चल रहे हैं, उसके पीछे के कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, और यह कंपनी क्या मंडे से अपर सर्किट पे चलेगा वो भी एनालाइज करके हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को। सबसे पहले अगर इस कंपनी के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग की बात करें तो आप देखेंगे 1698.35 रुपये पे यह कंपनी क्लोज हुआ था। अगर इस कंपनी के 52 वीक हाई की बात करें तो 1975.80 रुपये का इस कंपनी ने अपना हाई बनाया था, जो कि 28 अप्रैल 2022 को इस कंपनी ने हाई बनाया था। अगर इस कंपनी के 52 वीक लो की बात करें तो 4.95 रुपये 28 अक्टूबर 2021 को इस कंपनी ने अपना लो बनाया था। इस कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करें तो इस कंपनी का ट्रेडेड वॉल्यूम शेयर आपको देखना चाहिए। आप देखेंगे 1584, यानी कि जब इसमें लोअर सर्किट लगा उस टाइम 32,000 आसपास की क्वांटिटी जनरेट हुई थी। नॉर्मल दिनों की बात करें, जब इसमें अपर सर्किट लगता था तब भी 1000 के आसपास की क्वांटिटी जनरेट होती थी। दोस्तों, आप देखेंगे इसमें जो क्वांटिटी है वो लगातार कम होता चला जा रहा है, यानी कि इसमें धीरे धीरे करके सेलर कम हो रहे हैं, और जैसे सेलर इसमें से निकलते हैं तो इसमें बायर्स हावी होंगे और यह कंपनी फिर से अपर सर्किट पे चलना स्टार्ट कर देगा। तो देखते हैं इस कंपनी के और डिटेल को। दोस्तों, अगर इस कंपनी के लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो आप देखेंगे 5 मई को इसने अपना एक AGM रखा है, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा इस कंपनी के लिए, क्योंकि इसमें इस कंपनी के रिजल्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। और अगर इस कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो इस साल काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कंपेयर करेंगे इस कंपनी के प्रीवियस ईयर और उससे भी पहले के प्रीवियस ईयर में, तो कंपनी काफी ज्यादा धमाल करने वाली है, तो काफी अच्छा खासा मौका है इस कंपनी को बाई करने का। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि यह कंपनी ऑलरेडी काफी ऊपर तक आ चुका है, तो ऐसे में अगर इस कंपनी को आप बाई करते हैं तो काफी कॉस्टली इस कंपनी को बाई कर रहे हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, जो लोग भी इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो चाहे तो निकलने की प्लानिंग करें अगर उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है। अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया तो कंटिन्यू करें, क्योंकि आगे भी यह कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाएगा, क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, और जैसे इसमें बायर्स तेजी से आएंगे और ये फिर से अपर सर्किट पर चलना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।